हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फॉर अस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम हमारे पेन ड्राइव में कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज दिखाऊंगा कि हमारा जो पेन ड्राइव है उसमें हम एडोबी फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप फुल देख लेते हैं तो आप इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर को अपना पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पेन ड्राइव, तो हम अपने पेन ड्राइव को करते हैं यहाँ पे इंसर्ट। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव यहाँ पे सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप का एक फोल्डर है, तो इसको हम करते हैं डिलीट। न्यू फोल्डर, इसको भी करते हैं डिलीट। आपको कुछ नहीं करना है, मैं फ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि देखने में आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो उसके बाद हमारा जो फोटोशॉप का सेटअप है वहाँ पे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक आर्काइव सेटअप है रार में। हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने फोटोशॉप को इंस्टॉल करने में लगा दिए हैं, करते हैं यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज और यही रखेंगे, और जो लोकेशन है और लोकेशन को हम डिफॉल्ट ही रखते हैं। अब इसको इंस्टॉल होने दीजिए। हाँ, ये हो चुका है इंस्टॉल। तो हम इसको अभी लॉन्च नहीं करेंगे, इसको अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो उसके बाद हमारा सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे हमारा फोटोशॉप इंस्टॉल्ड हुआ है। प्रोग्राम फाइल्स एडोबी, ये रहा हमारा एडोबी फोटोशॉप। तो इसके अंदर हमारा फाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर है इसको हम कर लेते हैं कट, इसको हम कट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो पेन ड्राइव है, ये रहा हमारा पेन ड्राइव, इसमें करेंगे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। हाँ, तो पूरा जो फाइल्स है सब फाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे अपना पेन ड्राइव पे लेके आना है, क्योंकि हम डायरेक्टली फोटोशॉप को पेन ड्राइव में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे लोकेशन में पेन ड्राइव देंगे तो अब दिखाएगा कि हम रिमूवेबल जो ड्राइव है उसमें हम इंस्टॉल नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ वार्निंग देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसलिए जो पहले इंस्टॉल है उस इंस्टॉल फाइल्स को हमारा पेन ड्राइव में लेके आ जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है कॉपी होने में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एडोबी फोटोशॉप है वो सक्सेसफुली हमारा पेन ड्राइव में मूव हो चुका है। ये रहा इसका सॉफ्ट ये रहा पेन ड्राइव। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको, ये रहा फोटोशॉप का क्या बोलता है इसको रन करने का एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो हम स्टार्टअप करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आएगा भी या नहीं। ओह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडोबी फोटोशॉप है वो सक्सेसफुली हो चुका है लॉन्च। हाँ, तो ये वाला फोटोशॉप जो है ये हम अभी पेन ड्राइव से चल रहा है। तो क्या होगा अगर हम अभी पेन ड्राइव को रिमूव कर देंगे? दोस्तों, ऐसा आप ट्राई मत करना, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा पेन ड्राइव है वो करप्ट भी हो सकता है। तो आपके खातिर मैं कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये रहा हमारा पेन ड्राइव, इसको करते हैं अब इजेक्ट, सॉरी इजेक्ट तो नहीं होगा, करंट यूज है इसके लिए, फोटोशॉप के लिए करंट यूज है, हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, कर दिया रिमूव। आप देखते हैं इसको क्या हो रहा है, क्या होता है इसमें। क्रिएट वन,
हाँ ये अभी काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा दोस्तों, ये तो हम पेनड्राइव को रिमूव कर दिया है। चला गया चला गया चला गया। अब फिर से करते हैं इंसर्ट। ये रहा फोटोशॉप, तो इसका हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। इसका शॉर्टकट हो चुका है, इस शॉर्टकट को यहाँ पे रखते हैं, इसको नाम हम चेंज करते हैं। अडोबी फोटोशॉप, ओके। अब करते हैं इसको लॉन्च। हमारा जो फोटोशॉप है वो सक्सेसफुली अब हमारा पेन टाइप से ऑपरेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि और भी जो सॉफ्टवेयर्स है, अलग सॉफ्टवेयर को कैसे हम अपने फोटो अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स हमारा पेन ड्राइव से यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो चलिए कुछ करते हैं एडिट यहाँ पे। सब कुछ सही है तो करते हैं क्लोज। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।